नमस्कार। आज हम सामाजिक प्रतिमान के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं परंपराओं के बारे में। जैसा हम पूर्व में जान चुके हैं कि सामाजिक प्रतिमान किसी भी समाज को गतिशील और प्रगतिशील बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रतिमान वे आदर्श हैं, या कहना चाहिए कि आदर्श नियम हैं, जिनके साथ समाज की मान्यता छिपी हुई है और जिनको किया जाना, जिनको अपनाया जाना समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। विश्व का कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां सामाजिक प्रतिमान ना हो। जिस समाज के सामाजिक प्रतिमान लोक कल्याणकारी होते हैं, वो समाज उतना ही प्रगतिशील होता है। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में सामाजिक प्रतिमानों का विशेष योगदान है, विशेष भूमिका है, और भारतीय समाज में लंबे समय से स्थापित और प्रचलित सामाजिक प्रतिमान ही भारतीय समाज को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सामाजिक प्रतिमान के प्रमुख प्रकार जिनका उल्लेख विभिन्न लेखकों ने अपनी पुस्तकों में किया है, वे हैं जनरीतियां अर्थात फोकवेज, रूढ़ियां मोर्स, प्रथाएं कस्टम्स, परंपराएं ट्रेडिशंस। जनरीतियां किसी भी समाज में किसी समय विशेष के अंतर्गत प्रचलित लोगों के कार्य करने की और व्यवहार करने की वो रीतियां हैं, वो तरीके हैं, जो या जिनको समाज के अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, अपनाया जाता है, और जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। रूढ़ियां जनरीतियों का ही एक सुधरा हुआ रूप है। जब एक जनरीति में लोक कल्याण की भावना का तत्व जुड़ जाता है तो वो जनरीति रूढ़ी बन जाती है। जब एक जनरीति आगे चलकर रूढ़ी का रूप धारण करती है, अर्थात लोक कल्याण के लिए आवश्यक मान ली जाती है, और जब उसका निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है तो वही जनरीति प्रथा बन जाती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जनरीति, रूढ़ी और प्रथा तीनों ही एक जैसी हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है। प्रारंभ में प्रथा भी जनरीति होती है, प्रारंभ में रूढ़ी भी जनरीति होती है। आज हम बात कर रहे हैं परंपरा के बारे में। प्रायः प्रथा और परंपरा को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता रहा है, या कहना चाहिए कि जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं हैं, वे लोग प्रथा और परंपरा में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। प्रथा अलग होती है और परंपरा अलग होती है। एक वाक्य में अगर हम बात करें दोनों के अंतर की, तो सबसे बड़ा अंतर है कि जो परंपराएं हैं, परंपराओं का संबंध
व्यक्ति के पूर्वजों उनके द्वारा अपनाए गए उत्सव और त्योहार मनाने के तरीकों से है। भारतीय समाज पूर्वजों को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों को सम्मान देता है और देना चाहता है। क्योंकि व्यक्ति अपने पूर्वजों को अपने जीवन काल में देख नहीं पाता, क्योंकि पूर्वज उसके जन्म से पहले ही विदा हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति परंपराओं के माध्यम से अपने पूर्वजों को सम्मान देता है, सम्मान देना चाहता है। परंपराओं में लोगों का अंधविश्वास होता है और यही कारण है कि परंपराओं का अंधानुकरण किया जाता है, क्योंकि पूर्वज व्यक्ति के लिए सम्माननीय है। पूर्वजों के द्वारा अपनाए गए त्योहार और उत्सव मनाने के तरीके, काम करने के तरीके, वो सम्माननीय है। और यही कारण है कि बिना सोचे समझे, बिना और पर गंभीरता से विचार किए हुए जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो पीढ़ियां आगे वाली पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के सदस्य भी उन परंपराओं का अंधानुकरण करते हैं। ये सच है कि सभी परंपराएं अच्छी नहीं होती। यही कारण है कि समय समय पर कुछ परंपराओं को तोड़ा भी गया, उनके विरुद्ध भी जाया गया। लेकिन यह सच है कि अधिकांश परंपराएं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, व्यक्ति को उसकी संस्कृति से जोड़ने में, व्यक्ति को समाज से जोड़ने में, सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने में, नैतिकता से जोड़ने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। और यही कारण है कि भारतीय समाज के अधिकांश सदस्य परंपराओं को स्वीकार करते हैं, परंपराओं के महत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, परंपराओं का अंधानुकरण करते हैं और इस प्रकार परंपराओं को मानकर अपने पूर्वजों को सम्मान प्रदान करते हैं।